Namaskar, good morning. As India celebrates its National Youth Day today on 12th of January, we at Indian Institute of Advanced Study feel privileged to have amongst us Swami Ramrupananji and Shri Mukul Kanitkarji of Bharatiya Shiksha Mandal with us. And to begin this auspicious occasion, may I please request Swamiji and Mukulji, along with the Secretary of IIAS, Shri Prem Chandji, to please come forward and light the lamp. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की अंग्रेजी तिथि से बर्थडे, उनका जन्मदिन 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। इसके पीछे थोड़ी सी घटना है कि सबसे पहले 1985 में यूनेस्को ने इंटरनेशनल यूथ ईयर घोषित किया था स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन। उन्होंने इस पर्सनालिटी को लेकर, इन व्यक्तित्व को लेकर इंटरनेशनल यूथ ईयर के रूप में मनाया था। तो उसी साल भारत को भी उससे जागृति हुई कि हमें भी कुछ इसी पर्सनालिटी को लेकर नेशनल यूथ डे मनाना चाहिए। तो फिर उसमें स्वामी विवेकानंद की इस जन्मदिन को, जयंती को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया 1985 से। अब वास्तव में अगर स्वामी जी का व्यक्तित्व देखे, यूनेस्को ने भी उनको इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में माना, तो कि उनका जो व्यक्तित्व यूनिवर्सल है, वो किसी, और उनके विचार और व्यक्तित्व दोनों ही यूनिवर्सल है, वो किसी एक जाति को लेकर नहीं या किसी एक देश को लेकर नहीं, किसी एक धर्म को लेकर नहीं। अगर कहीं हम क्या केवल युवाओं के आदर्श थे, नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में उनके विचार मनुष्य को एक जीवन संजीवनी प्रदान करते हैं।
अगर हम संक्षेप में, अधिक समय तो नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि मुकुल जी आए हैं, एक मुख्य यहाँ पर वचन है कि स्वामी जी का व्यक्तित्व यूनिवर्सल था और उनके विचार दोनों चीजें, और ऊपर से बात क्या थी, प्रश्न की केवल विचार ही नहीं थे पर जिस प्रकार के विचार थे उन पर प्रतिष्ठित उनका जीवन था। इसलिए उनका जो मुख्य विषय धर्म और आध्यात्मिक जीवन, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, पर किस प्रकार का रिलीजन, किस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, और रिलीजन का अर्थ भी क्या है। अगर हम संक्षेप में कहें तो स्वामी जी ने सभी धर्मों को धर्मत्व प्रदान किया, जहां पर हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म अपने को अलग अलग बताता है। कुछ धर्म तो इतने कट्टर हैं, जैसे हम धर्म का अर्थ आज लेते हैं हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन इत्यादि, कि बस हमारा ही धर्म संसार में चले यही उचित है, बाकी सब बेकार है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसी धर्म की कभी बात नहीं की। उन्होंने धर्म के, अगर हम कहें विज्ञान की बात की, कि वास्तविक तत्व धर्म के भीतर या स्पिरिचुअलिटी के भीतर क्या है, और वो यूनिवर्सल है, वो सभी धर्मों के मध्य में है। भले ही कोई उसको कट्टरता से पेश करे वो बात उससे ही है, पर उनके सारे के सारे आइडियाज यूनिवर्सल थे। जैसे स्वामी जी ने मुख्य सनातन धर्म के विषय में बात की, जिसे आज हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। वास्तव में हम भारतवासी यहाँ पर बैठे हैं सभी, ये हिंदू शब्द नया शब्द है, ये पुराना शब्द नहीं है, आपको कहीं वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ये सिंधु घाटी के इधर को रहने वाले लोगों को, वो लोग जिन्होंने कहा वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, ह करते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू। तो जो सिंधु नदी की सो रहने वाली जो भी जाति है, जो भी सभ्य, उनको वो हिंदू कहते थे। पर आज तो एक दूसरी सेंस में हिंदू यूज हो गया, हिंदुस्तान, और हम इसको हिंदू धर्म कहने लगे। वास्तव में जो हमारा रिलीजन या धर्म है वो सनातन है, अर्थात इटर्नल रिलीजन, अर्थात इसके ये सिद्धांत पर बेस्ड है, और इसके जो सिद्धांत है वो इटर्नल है, नित्य है, इसलिए इसका अर्थ है सनातन धर्म। ये किसी एक विशेष पर्सनैलिटी पर बेस्ड नहीं है, कि जैसे आप कहें क्रिश्चियनिटी, अगर उसमें कहा जाए कोई ये प्रूव कर दे क्राइस्ट कभी हुआ नहीं, तो सारा का सारा धर्म हो ताश के पत्तों के समान अधूरा है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है ये सिद्धांत पर निर्भर करता है, और जिसके सिद्धांत है धर्म के मूल सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है। अगर हम एक दृष्टि से देखें, अगर हिस्टोरिकल एक आप थोड़ा सा व्यू लें, तो कहोगे कि धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई उतनी किसी के नाम पर हिंसा नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु फिर भी ऐसी चीज है कि आप धर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप कहें कि आजकल मेडिकल साइड या लॉ साइड बहुत सारा गोलमाल है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता, सबकी बात ऐसी नहीं, ऐसा मत कही, हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर बैठे सब जगह धर्म, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि बहुत से इंसिडेंट देखता कि अब एक ग्राहक आ गया, मैं इसको कैसा लूट लूं, ये कोई एक नोबल प्रोफेशन सब के लिए नहीं। फिर भी आप कहें कि इसके लिए आप मेडिकल सब चीजें बंद कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, आपको रोग लगेगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हम आप देख लीजिए किसके पास जाना है, वो एक दूसरी बात है। उसी प्रकार से धर्म एक ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। भविष्य एक भूतकाल बीत गया, पास्ट, वर्तमान चल रहा है, लेकिन भविष्य आपके सामने है, और जो अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में आप जानते नहीं, और इस अनिश्चितता से ही पैदा होती है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, भय, शोक, मोह और भय। भगवद गीता पढ़ोगे तो तीन ही बात, शोक, मोह, भय।
आप जितनी मर्जी बाहर प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर लो, जितना मर्जी कुछ प्राप्त कर लो, पर क्या आपके शोक मोह बह जाते हैं? मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे केवल 10-15 मिनट का है बोलने को, उतना ही मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा। श्रीमद स्वामी रंगानाथानंद जी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं रामकृष्ण मठ मिशन के, तो उन्होंने जाकर वेदांत का जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है वेद, वेदों का फिलोसफिकल पोर्शन वेदांत, अमेरिका में किसी बहुत बड़े हॉल में हजारों की संख्या में लोग थे, चर्चा कर रहे थे। तो खैर बड़े साइंटिफिक ढंग से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया और वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, पर उन्होंने क्वेश्चन किया, काउंटर क्वेश्चन, अच्छा स्वामी जी आपने एक बहुत अच्छे सुंदर रिलीजन की बात की जो कि किसी अंधविश्वास पर बेस्ड नहीं है, लॉजिक पर बेस्ड है, हमें अच्छा भी लगा, पर आप एक चीज बताइए कि देखो आप इतने बड़े रिलीजन की बात करते हैं और भारत के लोग इसका पालन करते हैं, पर आप देखिए भारत के तो इतने लोग फुटपाथों पर रहते हैं, फुटपाथों पर सोते हैं, और हम देखो हमें आपके रिलीजन का पालन नहीं करते, इसको मानते भी नहीं, पर हम कितने अच्छे ढंग से कितनी बड़ी बड़ी मंजिलों में अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए। तो बेहतर उन्होंने अवॉइड किया क्योंकि ये इस प्रश्न का उससे संबंधित नहीं था। उन्होंने कहा ये दूसरी बात है कि भारत बहुत समय से गुलाम रहा और हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी इसलिए ऐसी है, अदरवाइज भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सभी जानते हैं। खैर उन्होंने कहा नहीं आपको इसका उत्तर देना होगा, तो उन्होंने एक उत्तर दिया जिससे सारा का सारा हॉल चुप हो गया। उन्होंने कहा दिस इज ट्रू दैट पीपल इन माई कंट्री स्लीप ऑन फुटपाथ बट दे कैन स्लीप, यू कैन नॉट स्लीप इवन इन द मेडिसिन लेनी पड़ती है। अभी किसी बताया कोई IIAS से कर रहा था, उसने बताया स्वामी जी अभी 42% पहुंच गया है वहां पर। तो यही बात आती है भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मटीरियलिज्म, जैसे जैसे मटीरियलिज्म घुस रहा है डिप्रेशन बढ़ रहा है। बाहर की स्थिति शायद अच्छी हो रही है, आपके पास आज एक घर में 10 कारें हो सकती है, आपके पास मोबाइल, अच्छे अच्छे मोबाइल, सब चीजें हो सकती है, पर मन की शांति, और स्वामी विवेकानंद जी ने इसी चीज पर, और यहीं पर हमारा धर्म प्रारंभ होता है, यहीं से हमारी वास्तु, ये धर्म ऐसी चीज नहीं है कि ये आपसे अलग कोई वस्तु है, स्पिरिचुअलिटी और धर्म जिसको फैक्ट करते आज इसका धर्म की डेफिनेशन भी कोई नहीं दे सकता। स्वामी विवेकानंद ने बोला फॉर द 99.9% लोगों के लिए धर्म है हेल्थ ब्यूटी एंड लॉन्ग लाइफ, वो यही समझता है। कोई अगर साथ मिल गया और बाबा जी मेरे पेट में दर्द है कोई जरा विभूति दे दो, ऐसा मेरे पास भी आया था, ये स्वामी जी कमर में दर्द है कुछ कर दो, मैंने कहा क्या कमर में दर्द है तो मैं भी डॉक्टर के पास आऊंगा, और डॉक्टर का काम है सन्यासी क्या करेगा इसे, तो नहीं 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 कुछ साधुओं के पास रहता है। मैंने कहा तुम ठगे जाओगे जहां भी जाओगे, इसलिए तुम ठगे जाते हो क्योंकि तुम्हारे आइडिया नहीं है धर्म के बारे में। फिर मैंने समझाया देखिए अगर तुम ठीक ठीक बातें सुनते हो, वेदांत को सुनते हो या हमारी बातें, तो मैं आपका आपकी प्रॉब्लम कमर दर्द की नहीं, आपकी प्रॉब्लम फियर की, मैं कमर दर्द तो दूर नहीं कर सकता पर आपका फियर दूर कर सकता हूं अगर आप तैयार हो इसके। पर बात उसको बहुत अच्छी लगी पर इसके लिए तैयार नहीं था, उसने बोला स्वामी जी बात मैंने पहली बार सुनी, मतलब समस्या आपको रोग की नहीं है, मनुष्य एडवेंचर करता बड़ी बड़ी पेन सहन कर लेता, लेकिन फियर है ना, फियर ये बिना आध्यात्मिक उन्नति के नहीं जाता। अब जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने मर्जी पावरफुल हो जाओ, जितनी मर्जी वस्तुएं आप अपने पास रख लो, इनसिक्योरिटी आपकी जाएगी नहीं, आप जानते संसार में हाँ ये धन है, फिर भी आप उस पर पूरा निर्भर नहीं रहते, समय ऐसा आता है कि कोई चीजें काम नहीं देती हम। तो यहीं पर ही वास्तविक चीज आता है जिसमें भगवत गीता बोलती है, स्वामी जी ने कहा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणा भी विचार लेते, एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप स्थित होकर बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं हो सकते। धर्म आपका ये बात नहीं बोलता कि आपको रोग नहीं है, शरीर इससे बना है, गौतम बुद्ध ने बोला ना ये चार आर्य सत्य, पता है आप लोगों को,
आप भारत में रहते हैं वैसे तो पता होना चाहिए, दुख है, ये आर्य सत्य है, ट्रुथ, रोग है। उन्होंने तीन चार चीजें देखी थी ना, मृत व्यक्ति को देखा था, बूढ़े को देखा था, रोगी को देखा था। तो बोलते ये इटर्नली जाएगी नहीं, अब थोड़ा सा इलाज करो लेकिन पूर्ण रूप से जाएगी नहीं, जितने मर्जी हॉस्पिटल खोल लो, रोग बुढ़ापा मृत्यु रहेगी रहेगी। भले आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हो कुछ, लेकिन इसका पूरा समाधान या मिलने वाला नहीं। तो यहीं पर ये प्रश्न, जिसमें स्थित होना दुख नहीं होना अभी भी चल लेते, जिसमें स्थित होकर आप बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं हो सकते। और वही हमारा जीवन का ये धर्म और आध्यात्मिक तत्व तो बात करता है। अब स्वामी जी ने एक दो बातें मैं बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देने में समय सा लगा, अब एक दो बातें। अब स्वामी जी ने बोला, देखो मेरी बातों को जो भी मैंने प्रचार किया उनका बस थोड़े से शब्दों में उसको कहा जा सकता है, कैसे, टू टीच द मैनकाइंड देयर डिविनिटी एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, कि मनुष्य को मेरे को क्या सिखाना, उसका दिव्यत्व सिखाना, ही इज डिवाइन। अब दिव्यत्व समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, किसी ने समझना होगा तो मैं समझाऊंगा कि मनुष्य को उसका दिव्यत्व की वो दिव्य है, वो केवल मरने जीने वाले शरीर का कुंज नहीं है, इज डिवाइन। और दूसरा क्या है कि वो अपनी इस डिविनिटी को प्रत्येक मूवमेंट में, हर एक क्षेत्र में कैसे अभिव्यक्त करें, यही सिखाना है। और यदि बोलते पहले वेदांत किसी समय हिमालय की गुफाओं में प्रैक्टिस होता था, पर बोलते अब मैं वेदांत ऐसा करूंगा जो घर घर तक पहुंचेगा, क्या होगा, बोलते होगा एक टीचर अच्छा टीचर हो जाएगा, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर हो जाएगा, एक पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन हो जाएगा, सब जगहों पे। अगर वो किसी मत को मानने वाला है तो वो भी अपने मत में एक सच्चा होगा। अभी हम मत को मानते हैं लेकिन हम उसका पालन नहीं करते, बहुत प्रकार के मतों को हम मानते हैं और इसमें भी बड़े बने रहते हैं, लेकिन उसको पूछो जिस पर्सनैलिटी के बेस आपका मत होता है, क्या आप उस पर्सनैलिटी का 1% भी आपके जीवन में आ रहा है? उसका तो एक अर्थ होता है मैंने दूसरे को, दूसरा जो भी करता है गलत है और हम जो भी करते हैं ठीक है, बस यही मत है, आप कोई मत नहीं, बाकी आप किसी मर्जी को पकड़िए। आप जब तक किसी में धर्म नहीं है, आप बोलते हैं कि अच्छा धर्म की क्या आवश्यकता, अगर धर्म हो तो सारी व्यवस्था ठीक चलेगी, नहीं तो आप वोट ले लीजिए, जज के पास ज्ञान तो है पर वो करप्ट है, तो अपना सारा ज्ञान न्याय नहीं करेगा, वो तो अपने बेनिफिट के लिए करेगा जिसमें उसको फायदा मिल रहा है, वो अन्याय ही करेगा, वो भी जानता है कि मैं अन्याय कर रहा हूं, पर जब तक धर्म भीतर नहीं बैठा, इसको क्या है मूल में, जब तक दया नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, आप जो मर्जी मत की बात, अगर आप ऐसा मत का प्रतिष्ठित करते हैं कि जो मेरे मत को नहीं मानते सब बेकार है, दूसरा अच्छा भी करे तो भी बेकार है, तो आप अपने मत के प्रति आप समर्पित नहीं है, ठीक नहीं है। बिना भाईचारे प्रेम के लिए कोई भी चीज नहीं हो सकती। अगर आप डॉक्टर कहें, कोई आई डॉक्टर बोले, अरे बस आई तो एक डॉक्टर है, बाकी तो डॉक्टर हो नहीं सकता, तो ये मूर्खी कोई बात कर सकता है? तो आजकल मूर्खों के दल ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनते हैं, मैं सीधी बात बताऊं, उन्हें प्रेम दया नाम की कोई चीज नहीं है। जिस जो उसको मत को मानते हो मर्डर भी करते तो ठीक है, पर दूसरा मत अगर ठीक काम भी कर, नहीं ये गलत है, इसमें भी कुछ इसी पर वेस्ट है सारी, क्योंकि धर्म तो भीतर नहीं बैठा है ना, धर्म का ज्ञान भी नहीं है। धर्म माने हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, लेकिन कहीं हमारी ऐसी परिभाषा नहीं है। धर्म का अर्थ है जो मनुष्य को धारण करता है, संक्षेप में जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से जोड़ता है, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, जो एक मत को दूसरे मत से जोड़ता है, प्रेम जिसके भीतर है, ये हमारे महाभारत में डेफिनेशन है। और भी कई बातें हैं किंतु मेरा समय यहीं समाप्त हो रहा है, मैं यहीं पर वक्तव्य अपना समाप्त करूंगा। स्वामी जी ने जिस यूनिवर्सल सनातन धर्म और उस मूल चीज को देखा जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है, यदि वो बीच भीतर से चले जाए तो हम जिस भी पर्पस के लिए कुछ कर रहे हैं, आप मैरिज करते सुख प्राप्त करने के लिए, आप कोई पद प्रतिष्ठा पे व्रत होते आनंद के लिए, लेकिन वही आपको काटने लग जाए तो तलाक शब्द भारत में नहीं है, है ही नहीं इसका कोई
डाइवोर्स और तलाक, तलाक उर्दू शब्द है, डाइवोर्स इंग्लिश है. आप जरा मुझे इसका हिंदी में बता दीजिए, संस्कृत में. देयर इज नो वर्ड एट ऑल. आया कहां से? जिस तरह से माँ और बेटे के बीच में तलाक नहीं हो सकता, वैसे पति पत्नी के बीच में नहीं हो सकता. लेकिन समस्या दूसरी है. अब कई लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा करता हूँ, एक मिनट लग जाएगा मुझे. एक कपल आए और वैसे तो लव मैरिज थी, पर झगड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, तगड़ा. अब चल पड़े कि आप तलाक लेंगे, पर थोड़े से अच्छे थे वो लोग, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, हम रह नहीं सकते इकट्ठे, तलाक लेंगे. उसमें जो हस्बैंड था उसकी फैमिली मुझे जानती थी, बोला तुम जाके स्वामी जी से मिल के आओ, ना यहाँ तलाक लेने से. तो आ गया, उसकी वाइफ भी आ. लेकिन बात क्या थी, समस्या कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन वास्तविक जीवन की समझ ही नहीं थी, वास्तविक जीवन की समझ ही नहीं थी. तीन दिन आए, तीसरे दिन आप उनका जीवन बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसी कितनी कितनी ही समस्या, लेकिन क्या है कि ना धर्म का सही अर्थ पता है. शायद सिद्धि चमत्कार किसने विभूति दे दी, कोई बाबा वो कर रहा है, आप इसी कोई रिलीजन मान के बात करो, यही तो है. उसके पीछे दुनिया की दुनिया भागती है. फिर जब वो जेल में जाते हैं तब बोलते हैं सारा रिलीजन बेकार है. अब मुश्किल तो है कि आपकी धारणा ही क्या है. स्वामी जी ऐसे बोला कि 85% लोग पाखंडी है जो रिलीजन पे चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं रिलीजन क्या, और 10% लोग जिनका पीएचडी ना है, कोई 5% है जो ठीक से इसको समझते हैं और जो जीवन में अप्लाई करते हैं. अब मैं लास्ट बात बोलता हूं कि क्या इसका उत्तर थे. एक हमारे मित्र थे टोल्डो में, उन्होंने इटालियन, वो संन्यास लेना चाहते थे, ले तो नहीं पाए, किंतु अनमैरिड रहे और वो वाराणसी में आकर सेवा करते थे, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट. 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीने अपनी बूढ़ी माँ को देखते थे, अनमैरिड रहे. तो हमारे मित्र बन गए थे क्योंकि आश्रम से साधुओं को पसंद करते, हमें भी उनकी पर्सनैलिटी पसंद थी, क्योंकि बहुत ही उनका स्वभाव बहुत अच्छा था. तो हमने उनसे पूछा, देखो आप इंडिया थे, आपको इतनी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आती, गरीब लोगों के बीच में काम करते हो, खाना यहाँ आपको डाइजेस्ट नहीं होता, पानी सब चीज़ें, पर क्या चीजें जो आप बार बार भारत आते हैं, क्या बात है? तो बोलते यस यू आर ट्रू कि इंडिया देयर आर मेनी प्रॉब्लम, बट यू नो सेटिस्फेक्शन लेवल इज मच मोर इन इंडिया देन इन फ्रॉम अवर कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ धन्यवाद दीपिका जी. मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी रामानंद जी, इस संस्थान के माननीय सचिव प्रेम जी, यहाँ उपस्थित अन्य फैकल्टी और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाई, स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ और उसके बाद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. युवा यानी कौन, इसकी परिभाषा, सरकारी परिभाषा बड़ी मजेदार है आयु के रूप में. मेरे को किसी ने पूछा युवा की आपकी परिभाषा क्या, तो मैंने उसका उत्तर दिया था और यहाँ बैठ करके मैं सोच रहा था, कुछ छात्रों ने मुझे देखा मुस्कुराते हुए तो वो भी मुस्कुराए. मैं यहाँ बैठ करके आप सबके चेहरे देख रहा था और तब मेरे को मेरी वो परिभाषा याद आई जो मैंने युवा की दी थी, वो स्वामी विवेकानंद की भी परिभाषा है. मैंने कहा युवा वो है जो बिना कारण के मुस्कुराता है. उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा उसे शांत नहीं रहने देती और चेहरे पर मुस्कान होती है. थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मुस्कुराने का गणित सोचने लगता है. युवावस्था में तो मुस्कुराने के कारण नहीं लगते. कोई बड़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगे तो लोग उसको पूछेंगे इस साल चुनाव में खड़े रहने वाले का बड़ा मुस्कुरा वोट मांगोगे, क्या कारण है? जिसके जीवन में गणित नहीं है वो युवा है. जिसके जीवन में क्या वापस मिलेगा ये बिना ये वो सोचता नहीं काम करते समय. उसका साहस ऐसा है, उसकी वीरता ऐसी है कि वो खतरे नहीं गिनता. जो खतरों को गिनता है उसको मैं युवा नहीं मानता. और फिर यदि 80 साल के, मैं जानता हूँ ऐसे 80 साल के युवाओं को भी जो खतरों को नहीं गिनते,
तो मैं उनको 80 साल का युवा कहता हूँ और आप अंग्रेजी में परिचय देते हैं तो आप 16 साल के 16 ईयर ओल्ड ही कहते हैं। तो इसलिए 18 साल का बूढ़ा भी हो सकता है और 80 साल का जवान भी हो सकता है। एक और दूसरी परिभाषा है जिसके बोलने में पास्ट टेंस बहुत होता है वो बूढ़ा होता है, जिसके बोलने में फ्यूचर टेंस होता है वो युवा होता है, जो भविष्य के सपनों की बात करता है वो युवा होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात जब चली, आपने बताया 1985 में घोषणा की, मैंने आरटीआई से उसके मिनट्स निकाले, प्लानिंग कमीशन में जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जन्म जयंती पर मनाया जाए, तो काफी चर्चा हुई इस विषय पर, अनेक बातें आई, इसके नाम पर हो सकता है, इसके नाम पर भगत सिंह का भी नाम आया था, अनेक नाम आए थे, स्वामी विवेकानंद के नाम पर सब लोग सहमत हुए, स्वामी विवेकानंद के नाम पर खेला, लेकिन प्लानिंग कमीशन के सदस्यों ने दिए हुए कारण, लोकेश चंद्र जी भी थे, बहुत बड़े इतिहासकार है, हम सब लोग जानते हैं, लोकेश चंद्र जी ने स्वामी विवेकानंद के युवाओं को दिए गए भाषणों का और युवाओं ने मेरा विश्वास है आदि आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्रों का उद्धरण भी दिए, वो भी उन मिनट्स में है। लेकिन सबसे मजेदार एक व्यक्ति ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज भी वो है और आज भी मजेदार मजेदार स्टेटमेंट देते रहते हैं, अभी अभी रिसेंटली उन्होंने खोज निकाला कि दशरथ के महल में 10,000 कपड़े थे। तो ऐसे प्रकांड इतिहासकार जो बिल्कुल रामायण के कितने महल में कमरे थे वो ढूंढ सकते हैं, उन्होंने जो कारण दिया वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और जो मुस्कान आपकी ठंड में थोड़ी सी जम गई है, फ्रोजन स्माइल, वो भी बाहर आ जाएगी, इसलिए वो कारण मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाए। तो इन महापुरुष ने कहा कि बाकी सारों की तो बुढ़ापे की तस्वीरें हैं, लेकिन विवेकानंद ऐसे एक महापुरुष है जिनकी बुढ़ापे की कोई तस्वीर नहीं है, इनकी जितनी तस्वीरें उपलब्ध है सारी जवानी की है, इसलिए यही व्यक्ति है जिसके नाम पर युवा दिवस हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था और 4 जुलाई 1902 में उन्होंने समाधि ली। तो 39 वर्ष और 6 माह और 22 दिन इतनी उनकी आयु रही शरीर, तो जिसकी आयु 39 वर्ष की थी उसके बुढ़ापे की तस्वीरें कैसे आ सकती है। वो युवा थे, चिर युवा थे, और जैसा कि आपने कहा, आपने शब्द प्रयोग किया यूनिवर्सल, मैं कहता हूं निर्विवाद थे, विवादों से परे थे। हंसराज रैवर नाम के एक हिंदी के लेखक हुए, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, मार्क्स से प्रेरित थे, कम्युनिस्ट थे और क्रांतिकारी लेखक थे, और जो सामने दिखे उसकी पोल खोलने में उस्ताद थे। तो उनकी पुस्तक है गांधी बेनकाब, पुस्तक का नाम है गांधी बेनकाब, एक उनकी पुस्तक है जिसका नाम है नेहरू बेनकाब। उनके मार्क्सवादी मित्रों ने कहा ये सब तो ठीक है, गांधी ने बेनकाब, नेहरू बेनकाब तो आपने लिख दिया, लेकिन इस सबकी जड़ में जो है उस विवेकानंद को तो बेनकाब करवा। तो हंसराज रैवर ने पुस्तक लिखी विवेकानंद पे, और उसकी स्क्रिप्ट में जब उन्होंने लिखना शुरू किया पांडुलिपि, तो उस कॉपी के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने लिखा विवेकानंद बेनकाब, और फिर विवेकानंद को बेनकाब करने के लिए विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया। आप ऐसी गलती मत करना, मैं इसलिए कह रहा हूं यदि बेनकाब करने के लिए पढ़ रहे हो तो उन्हें मत पढ़ना, क्योंकि उन्होंने विवेकानंद की जीवनियां पढ़ी, विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ा, विवेकानंद पे हुए रिसर्च पढ़े, विवेकानंद के सारी पुस्तकें पढ़ी, और वो रमते गए जो पुस्तक 6 महीने में लिख करके वो खाली कर देते थे 3 महीने में, गांधी बेनकाब 3 महीने में लिख दी उन्होंने। बहुत प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत कुछ लिखा, बहुत अच्छा भी लिखा, बहुत सुंदर लिखा, लेखन बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छी है भाषा, पढ़ना चाहिए हंसराज रैवर को, और ये वाली पुस्तक जो मैं बताऊंगा वो तो अवश्य पढ़नी चाहिए विवेकानंद के ऊपर। वो विवेकानंद को पढ़ते गए और फिर विवेकानंद का बेनकाब होने के शायद वो स्वयं ही अपने विचार बेनकाब हो गए। हंसराज रैवर ने जो स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी है उसका नाम है योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बेनकाब विवेकानंद लिखा था, जब किताब पूरी हुई तो उस व्यक्ति ने लिखा योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जिसको छूते हैं उसको अपना बना लेते हैं। विवेकानंद को हृदय में धारण करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आपके यौवन को चुनौती देता हूं, मैं आपके तरुणाई को चुनौती देता हूं, और कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं, अध्यात्म की धर्म की चुनौती नहीं, मैं तो सामान्य चुनौती दे रहा हूं,
विवेकानंद आज होते तो और बात होती, विवेकानंद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उनकी किसी भी तस्वीर को और खास करके जो फोटो है उस फोटो को लीजिए, ये तो चित्र है सामने जो, ये तो पेंटिंग है, बहुत सुंदर है, वो भी एस एम पंडित को शायद स्वप्न में दर्शन दिए थे ऐसा उन्होंने लिखा है जब उन्होंने ये चित्र बनाया। एस एम पंडित नाम के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बहुत बड़े चित्रकार का बनाया हुआ पेंटिंग है जिसके ऊपर आज हमने माल्यार्पण किया, और उन्होंने दो पेंटिंग बनाए और दोनों उनको स्वामी जी ने दर्शन दिए थे उस प्रकार से उन्होंने बनाए, इसलिए बहुत जीवंत है। मैं इसके भी का प्रयोग कर सकते हो, इसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो फोटो है स्वामी विवेकानंद की, और छह फोटो ऐसी है, बहुत सारी फोटो है स्वामी विवेकानंद की, आपको नेट पर भी मिल जाएगी, लेकिन छह फोटो है स्वामी विवेकानंद की ऐसी है जिन फोटो में वो सीधे कैमरा को देख रहे, तो फोटो के अंदर से वो आंखें आपके अंदर जाकर के आपके हृदय को आलोकित करने का साहस रखती है फोटो में स्वामी विवेकानंद की आंखें। इसलिए मैं इन युवाओं को चुनौती देता हूं, आप स्वामी विवेकानंद की फोटो की आंखों में आंखें मिला करके दो मिनट बैठ करके दिखाइए। स्वामी विवेकानंद को वही युवा अपने हृदय में धारण कर सकता है जिसके हृदय में पवित्र है, जिसके हृदय में वीरता है, जिसके हृदय में साहस है, मन में किंचित मात्र भी मैल होगा विवेकानंद को धारण नहीं कर पाओगे, और कर लोगे तो धुल जाएगा, क्योंकि वो अनल है, अग्नि है जो सारे कलमश को जला देता है, और उसमें से फिर जो निकलता है वो केवल सोना और सोना होता है। उस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम क्यों युवा दिवस पर बैठे हैं और क्यों मना रहे? मैं नागपुर से यहाँ पर आया, इतने दूर से आपके डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, आप भी इतनी ठंड में यहाँ पर आकर के बैठे, किस लिए? इसलिए कि उनका अंश मात्र भी अपने जीवन में यदि उतार सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अंश मात्र भी हमारे स्पर्श हो गया तो आपका चेहरा बदल जाएगा, फिर बिना फेर एंड लवली के तेज दिखने लगेगा आपके चेहरे पर। विवेकानंद का चेहरा देखो, कोई प्रसादन थोड़ी लगाते थे, वो अंदर की आग थी जो हृदय में लग जाती थी तो चेहरे पर चमक के रूप में आती थी उनकी आंखों में। इसलिए मैंने कहा आगे रात करके देखिए, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वो तेज चाहिए। विवेकानंद को छू लोगे तो आपकी भी ये स्थिति हो जाएगी, आपकी भी दृष्टि में वो तेज आ जाएगा, आपके भी चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जिसको प्रसादनों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जीवन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि विवेकानंद आपको कुछ मानने के लिए कहते ही नहीं, he doesn't ask you to believe anything. वो उल्टा यहां तक जाकर के कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई ग्रंथ कह रहा है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा जबरदस्त वाक्य युवाओं के सामने बोलते हुए मद्रास में उन्होंने माई प्लान ऑफ कैंपेन नाम से वो पुस्तिका छपी है, छोटी सी पुस्तिका है, शायद 6 रुपए की पुस्तिका है, रामकृष्ण मिशन ने छापी, अंग्रेजी में, हिंदी में, सभी भाषाओं में। उसका आखिरी 1.5 पृष्ठ तो प्रत्येक युवा को रट लेना चाहिए, इतना अद्भुत है। देशभक्ति की कसौटी स्वामी विवेकानंद ने उसमें बताई है कि 3 कसौटी मैं देता हूँ देशभक्ति के, यदि आप अपने आप को देशभक्त समझते हो। उसमें स्वामी विवेकानंद ने यह बात बताई कि मानो मत, जानो, एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो अपने अंदर। इसलिए मैं जो बता रहा हूं वो करके देखो, स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंखें डाल करके देखो, स्वामी विवेकानंद का जीवन को थोड़ा सा स्पर्श करके देखो, 4 घटनाएं उनके जीवन की पढ़ो, आपके जीवन में उतरने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक अद्भुत स्वामी विवेकानंद के लेखन का क्या असर होता है इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने अद्भुत बात कही, 2 बातें कही उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं जीवित होता, यदि आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सारा प्रपंच नहीं करता, उनके चरणों में बैठा होता और संन्यास ले लिया होता। सुभाष चंद्र बोस उनको बहुत मानते थे। दूसरी बात उन्होंने कही थी शिकागो की उस धर्म सभा के अंदर जो स्वामी विवेकानंद ने शब्द कहे थे बहनों और भाइयों, और उन 5 शब्दों पर तालियां बजी थी, My dear sisters and brothers of America, sisters पहले कहा था, brothers बाद में कहा था। और ये मैं इसलिए अधोरे की कर रहा हूँ कि भगिनी निवेदिता ने पूछा था कि ये गलती से हो गया था या जानबूझ करके कहा था। स्वामी विवेकानंद को स्पष्ट करवाया था उन्होंने कि भारत में जो स्त्री दाक्षिण्य का स्वभाव है उससे बहनों पहले आ गया या आपने जानबूझ करके कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया नहीं, मैंने जानबूझ करके कहा क्योंकि आने वाली शताब्दी या मातृशक्ति की शताब्दी है। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका 5 शब्द कहे और पूरा हॉल उठ करके खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और लोग उछल करके ऊपर आ गए, हाथ पकड़ना चाहता है कोई स्वामी विवेकानंद, कोई स्वामी विवेकानंद के उस चोगे को छूना चाहता है। उस पूरी घटना के ऊपर अद्भुत रिसर्च हुआ है। मेरी लुई बर्क नाम की एक महिला
उसने बाद में जाकर के संन्यास ले लिया, सिस्टर गार्गी नाम बना उनका। उन्होंने 6 खंडों में स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज नाम से एक पुस्तक लिखी, 6 खंडों में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने शिकागो की धर्म सभा में उस दिन सामने बैठे हुए प्रत्येक श्रोता के घर जाकर के और रिसर्च की, उनकी डायरी पढ़ी जो जीवित थे उनसे बात की, और उनको पूछा कि उन 5 शब्दों का आपके ऊपर क्या परिणाम हुआ। तो किसी ने कहा ऐसे लगा जैसे मानो मेरे पूरे शरीर में विद्युत तरंग उठ गई, किसी ने कहा मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया, इतना अपनापन उनके अंदर था। कोई कहता है मैं तो उनको छूना चाहता था, कोई कहता है मैं तो उनको गले लगाना चाहता था, कोई कहता है मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब उठा और स्टैंडिंग ओवेशन में तालियां बजती रही। हमने केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इतना ही सुना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा और लोगों ने तालियां बजा दी, और ये भी कहीं कहीं उस पाठ्यक्रम की पुस्तक में अपना दिमाग लगा करके लोग लिख देते हैं कि उससे पहले सारे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे पहली बार इन्होंने बहनों भाइयों कहा इसलिए तालियां बजी, नहीं मेरी भी वर्क का रिसर्च बताता है स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति नहीं थे इस शब्द का प्रयोग करने वाले। बंधुत्व का संबोधन करने वाले वो 4th व्यक्ति थे, उनसे पहले 3 लोगों ने बंधुत्व का संबोधन किया था। धम्मपाल अंगीकारा चरणका से गए थे, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी भाइयों बहनों कहा होगा, बहनों भाइयों नहीं कहा होगा पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा होगा, लेकिन ब्रदर उनका संबोधन उन्होंने भी किया था। प्रताप चंद्र मुजुमदार गए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत से, उन्होंने भी यही संबोधन किया था, और जापान से बौद्ध साधु गए थे उन्होंने भी यही संबोधन किया था। स्वामी विवेकानंद के बोलने से पहले 20 मिनट में 3 बार भाई और बहनों को सभागम में मंच सुन चुका था। पहली बार बोले धम्मपाल अंगीकारा उनके लिए तालियां नहीं बजी, दूसरी बार वो बौद्ध साधु बोले उनके लिए तालियां नहीं बजी, प्रताप चंद्र मुजुमदार को तालियां नहीं मिली, विवेकानंद को तालियां मिली, लोग उठ करके खड़े हो गए। क्यों? तो सुभाष चंद्र बोस वो भी मुर्दे में जान डालते ऐसे व्यक्ता थे, बंदियों में से आजाद हिंद सेना खड़ी कर दी उस व्यक्ति ने, युद्ध बंदियों में से प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके सामने भाषण देते हुए जब उन्होंने रंगून में कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके उन बंदियों के बीच में देशभक्ति की ज्वाला भड़का दी, मुर्दों में जान डालते ऐसा वक्तृत्व था वो। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के उस कथन के बारे में कहते हैं, बड़ा अद्भुत उनके शब्द है, वो कहते हैं विवेकानंद की कही गई बात बाकी 3 लोग थे फिर भी क्यों पहुंची, 4th की बात अंदर तक और क्यों तालियां बजी। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, होठों से कहोगे तो होठों तक पहुंचेगी, गला फाड़ करके कहोगे तो गले में उतर जाएगी गले तक पहुंचेगी, लेकिन जब बात हृदय से निकलेगी तब हृदय तक पहुंचेगी। स्वामी विवेकानंद के वो 5 शब्द हृदय से निकले हुए थे, वो कह नहीं रहे थे, वो मान नहीं रहे थे, उनके मन में वो बंधुत्व का बोध था। पिछले 2.5 महीने से अपमान प्रताड़ना का विष घुट पान करने के बाद में भी धक्के देकर के लोगों ने निकाल दिया, उनके कपड़े देखकर के उनका अपमान किया गया, यू ब्लैक यू डॉग यू आर नॉट वेलकम हियर यू निगर, इस प्रकार के शब्द पूरे 2.5 महीने तक अपमान सहन किया। स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए उस समय के पत्र पढ़ने चाहिए जो अपने शिष्यों को लिखे, अमेरिका में उनके हुए अपमान के बारे में स्वामी विवेकानंद ने जो बातें कही है, एक एक शब्द के बारे में स्वामी विवेकानंद के जो विषमवाद उनको करना पड़ा, और उसके बाद में जब मंच पर स्थान मिला और सामने सारे अमेरिका निवासी बैठे हैं तो उनके मुख से उनके लिए एक भी घृणा का शब्द नहीं, एक भी शिकायत का शब्द नहीं, नो कंप्लेनिंग एट ऑल, उनके मुख से निकला तो केवल और केवल मात्र स्नेह का उद्बोधन। ये वेदांत है, ये कण कण में व्यक्ति व्यक्ति में दिव्यता को देखने का जागृत वेदांत ये है। उनको प्रत्येक के अंदर उस ईश्वर के दर्शन हो रहे, जिस साक्षात के दर्शन उनके गुरुदेव ने उनको उस भवतारिणी मां में करवाए थे, उस मृणमयी मूर्ति में चिन्मयी दर्शन उनके गुरु ने करवाए, और वो दर्शन फिर चराचर में वैश्वानर के अंदर करने की अद्भुत साधना स्वामी विवेकानंद ने की, और उसका परिणाम था वो। सुभाष चंद्र बोस ने एक और बात कही थी, उन्होंने लिखा है यदि स्वामी विवेकानंद को आप लेट करके पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कब उठ करके बैठ गए, यदि आप बैठ करके पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कब उठ करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के पढ़ोगे तो कर्म की प्रेरणा मिल जाएगी और काम में लग जाओगे। विवेकानंद को पढ़ने के डिस्क्लेमर बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ोगे विवेकानंद को तो तैयारी रखना, फिर शांत नहीं रह सकोगे, फिर सो नहीं पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने विवेकानंद को पढ़ा था तो एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बदल गया, वो एपीजे अब्दुल कलाम विवेकानंद के उस वाक्य को बार बार दोहराते थे, वो कहते थे स्वप्न वही वह नहीं होता जो नींद में देखा जाता है, जीवन का स्वप्न तो वो होता है जो नींद उड़ा देता है, ड्रीम इज दैट विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप।
ये विवेकानंद है, विवेकानंद आपकी नींद उड़ा देंगे, विवेकानंद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि वो कहते हैं यदि आप अपने देश से प्रेम करते हो तो अपने आप से पूछो कि क्या आप हृदय से महसूस करते हो। जिनकी बात की ना, फुटपाथ पर रहने वाले उन लोगों को देख करके आपको महसूस होता है मेरा भाई। विवेकानंद को होता था वहां शिकागो में, वहां की चकाचौंध देखने के बाद उनके मन में विचार आता था कि मेरा देश ऐसा कब होगा। जिसको वो अमेरिका की मेरी माँ कहते थे, उस मिसेस ओलीपुल के घर में जब स्वामी विवेकानंद रुके थे, उस मिसेस ओलीपुल ने अपनी डायरी में एक प्रसंग लिखा है कि एक दिन रात के भोजन के बाद, डिनर के बाद, जब वो बरामदे में ठहर रही थी तो विवेकानंद के कक्ष से किसी की रोने की आवाज आई। उनको लगा कौन रात के समय आकर के स्वामी जी को डिस्टर्ब कर रहा है। वो दरवाजा खेल करके अंदर गई तो और कोई नहीं, स्वयं साक्षात स्वामी विवेकानंद बिस्तर पर नहीं, नीचे जमीन पर बैठे हैं और उनके आंखों से गंगा जमुना बह रही है और गला रुंध हुआ हुआ और बड़ी तेजी से आवाज निकाल निकाल करके रो रहे। उस माँ ने हाथ जोड़ करके स्वामी विवेकानंद को पूछा, स्वामी जी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ त्रुटि रह गई, आपको कुछ कष्ट है, डॉक्टर को बुलाओ, क्या करूं, क्या हो गया। स्वामी जी ने कहा, नहीं माँ, तूने तो इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतना अच्छा बिस्तर है मक्खन जैसा, लेकिन इसमें मुझे नींद नहीं आती। माँ ने कहा, बिस्तर बदल देती हूँ। नहीं, तो बिस्तर की कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ सोता हूँ तो कांटे चुभते हैं। माँ ने पूछा, क्यों ऐसा होता है? तो उसमें से सोलीपुर को स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, क्योंकि माँ, जब इस मखमल के बिस्तर पर सोता हूँ तब मुझे मेरे वो करोड़ों करोड़ भाई बहन याद आते हैं जो भारत भ्रमण के समय मैंने देखे थे, जिनको सोने के लिए ऐसा गद्दा, तो क्या घास का गद्दा भी उपलब्ध नहीं है, तृणशैया भी उपलब्ध नहीं है। तृणशैया तो छोड़ो माँ, वो जमीन को बिछा करके सोते और आसमान की चादर ओढ़ते, न जाने कितने विवेकानंद पैदा होते ही आपकी माँ की गोद में ठंड से ठिठुर करके मर जाते हैं। माँ, उनको याद करके मैं रो रहा हूं। वहां वैभव के परम शिखर पर जिस समय सारा अमेरिका उनको सिर पे लेकर के नाच रहा था, अमेरिका के वो हीरो थे, उनके भाषणों के लिए लोग टिकट लगा करके आते थे, उनकी फोटो रोज अखबार में छपती थी, सारा मीडिया उनके पीछे था। आज जिसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, 11 सितंबर 1893 के बाद स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका में सेलिब्रिटी थे। और वो सेलिब्रिटी अपने प्रतिष्ठा के, वैभव के, अपने जीवन के लक्ष्य के अंतिम शिखर पर अपने उस भाई को याद करता है कि जिसको दो समय खाने के लिए पेट भर करके खाना नहीं मिलता। यह विवेकानंद, यह संवेदना आपको विवेकानंद से जोड़ेगी। क्यों क्यों युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को याद करना? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वही जीवित है जो औरों के लिए जीता है, अन्यथा तो हंसती गाती खेलती बोलती चलती फिरती लाशें बहुत है। जीवन का अर्थ क्या है, क्यों जन्म लिया? मुझे विवेकानंद ने यह प्रश्न पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्या करने के लिए पैदा हुए, क्या करना चाहते हो जी, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? आपसे भी यह प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाता है अपने अंदर से। ऐसा एक भी दुनिया में मनुष्य नहीं जिसने अपने आप से यह प्रश्न न पूछा, हु एम आई, कौन हूं मैं, किसके आया, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अपनी जिंदगी की सरपट भागती दौड़ में, बुलेट ट्रेन में, हम ऐसे प्रश्नों को कारपेट के नीचे ढकेल देते हैं। अभी तो पढ़ाई कर लूं, अभी तो करियर देख लूं, अभी तो नौकरी कर लूं, और उसके बाद छोकरी। स्वामी जी ने बड़ा डराने की कोशिश की तलाक वलाक की बातें करके, मैं उनका रहस्य बता रहा हूँ, वो सब सन्यासी बनाना चाहते हैं आपको, इसलिए बताया। सोच लो शादी के बाद क्या होता है। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न तो वो है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य जब तक पता नहीं है तब तक जीवन का अर्थ नहीं है, तब तक जीवन नहीं है, तब तक मनुष्य नहीं है। एक कुत्ते में और आप में क्या फर्क है, एक गोबर में बिलबिलाते हुए कीड़े में और हम में क्या फर्क है? यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो मनुष्य जन्म लेकर के उपयोग क्या? स्वतंत्रता क्या है? एक कुत्ते को पत्थर मारो क्या करेगा, या तो काटेगा या भागेगा या भौंकेगा, चौथा ऑप्शन बताइए कुत्ते के लिए। देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनता, एमसीक्यू में चार चाहिए होते हैं, कुत्ते का एमसीक्यू नहीं है। कुत्ते के पास तीन ही ऑप्शन है, काटेगा भौंकेगा भागेगा, चौथा ऑप्शन नहीं।
ये बड़े वीर है, ऐसा पत्थर मारेंगे कुत्ते को कि ढेर हो जाए, तो फिर भाग भी ना पाए ना भौंक पाए। मैं तो हिंदे से पत्थर मारने की कह रहा था, इतनी प्रचंड हिंसा मेरे मन में नहीं थी। चौथा ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य को पत्थर मारो क्या करेगा, बताइए, आपको कोई पत्थर मारे क्या करेगा? उत्तर नहीं दे सकते, नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा किसने पत्थर मारा। आप चार प्रश्न पूछोगे, उल्टा पत्थर मारूंगा ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उल्टा पत्थर मारोगे, किसने मारा, मारने वाला या वाली कौन थी। मारने वाले का मूड क्या था, जिस समय मारा उस समय मेरा मूड क्या था, कितने जोर से मारा, नया प्रश्न ऐड कर दिया। और इतने सारे उप प्रश्नों के उत्तर भी दे दूं तो भी आप गारंटी से नहीं बता सकते कि आप क्या करोगे, क्योंकि आप मनुष्य हो, यू हैव गॉट इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं के स्वातंत्र का नाम मनुष्य, अनंत संभावना, असीमित, यू कैनॉट काउंट इट। उत्तर देना न देना, क्रिएटिवली देना, ऐसे देना कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, कितना स्वातंत्र है। 2 साल बाद देना, 4 साल बाद देना, 5 साल बाद देना, प्रतिशोध 100 साल बाद भी लिया जा सकता है। मनुष्य के पास असीम स्वातंत्र है, उस असीम स्वातंत्रता का उपयोग करने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य बनो। मुझे बहुत आश्चर्य होता, कन्याकुमारी में गए, माँ के सामने साष्टांग दंडवत किया और माँ से प्रार्थना कर रहे, स्वामी विवेकानंद ने खुद लिखा, वहां जोड़ करके मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ मुझे मनुष्य बना दे। मैंने कहा ये तो पैदा ही मनुष्य हुए हम, 2 पैरों पर चलते हैं ना, 4 पे नहीं चल सकते, पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है, तो है तो मनुष्य। तो मनुष्य है, फिर मनुष्य बनाने का अर्थ क्या? मनुष्य बनाने का अर्थ है इस स्वातंत्र का उपयोग करने का साहस और विवेक, ये दोनों आ जाते तो आनंद आता है जीवन में, तो विवेकानंद बनते। वो मल्टीपल में इंफिनिट चॉइस में से व्हाट टू चूज, इसका विवेक सिखाता है वो धर्म। क्या करनी है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या अकरणीय है, क्या अकर्तव्य है, इस विवेक का विकास जो करता है उसको भारत में धर्म कहते हैं। पिता का पुत्र के प्रति धर्म, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, पिता का धर्म, पड़ोसी का धर्म, राजा का धर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देने की वृत्ति। मैं क्या दूंगा जीवन, इसमें जीवन का लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य तय होता है, लक्ष्य मन में आता है, नहीं आया ऐसा नहीं। आप में से प्रत्येक को जो काम बहुत प्रिय है, युवाओं को बहुत प्रिय होता है, थोड़ा सा और आयु बढ़ जाए तो उसके बाद वो काम इतना प्रिय नहीं रहता। प्रत्येक युवा को इतना प्रिय होता है, सबसे अंतिम काम आपने वही किया होगा, अपने घर से, कमरे से, हॉस्टल के रूम से निकलने से पहले, उसको भी युवा का एक लक्षण है, जो दिन में सबसे ज्यादा बार शीशा देखता है वो उतना अच्छा युवा है। वो 2-व्हीलर, वो स्कूटी वूटी होती है ना, एक्टिवा, उस पे 2-2 लगाए हुए हैं। मेरे को गलत फहमी थी ट्रैफिक देखने के लिए, जब किसी भी आप कॉलेज के सामने बाहर खड़े रहो, लोग आकर के लगाते हैं अपनी 2-व्हीलर, उसके बाद वो आतंकवादियों वाला सारा वस्त्र हरण करते हैं स्वयं का ही, है ना, वो कहीं पर तालिबान को कहना पड़ता है मुंह छिपा, हमारे यहाँ तो कहना ही नहीं पड़ता, खुद ही छिपा लेते हैं मुंह छिपा करके। वो सारा निकालने के बाद में फिर वो एक्टिवा वालों ने, होंडा वालों ने क्यों शीशे लगाए वो पता चलता है, फिर उसके अंदर देख करके ठीक करते हैं। जितना युवा होगा वो उतना अधिक शीशा देखेगा, क्या देखते हो शीशे में, उस शीशे में से देखने वाली आंखें आपको क्या प्रश्न पूछती है, लगातार बार बार हर बार उन्होंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और रोज पूछती है, वो शीशे से आपको देखने वाली आंखें आपसे यही प्रश्न पूछती है, क्या तेरे जीवन का लक्ष्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और आप उस शीशे से प्रश्न पूछते हो सब ठीक तो है ना। ये बाहर का ठीक है पूछने की जगह अंदर का ठीक है कि नहीं, पूछ लो, ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा।
और ये जब लक्ष्य आपके जीवन में प्रकट होता है उसके बाद में आपका जीवन बदलने लगता है, उसके बाद दूसरी परीक्षा आती है कि कठिनाई की घड़ी में उस लक्ष्य पर आप टिके रहोगे कि नहीं रहोगे। प्रलोभन आएंगे जीवन में, 50 प्रलोभन आएंगे, लेकिन क्या कठिनाइयां भी आएगी प्रलोभन भी आएंगे। विवेकानंद के जीवन में कठिनाइयां भी आई प्रलोभन भी आए, लेकिन उन्होंने उन प्रलोभनों का सामना किया और तब उनके जीवन का लक्ष्य, उनके जीवन की दिशा बना और तब जाकर के सारे विश्व को अपने अंदर समाहित करने वाला विशाल हृदय का विकास हुआ। आप अपने आप से प्रेम नहीं करते तो किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, और अपने आप से प्रेम करने को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए मैं बिना बात अध्यात्म का शब्द प्रयोग किए ये बातें बता रहा हूं कि अध्यात्म बोलते ही डर जाते हैं, बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट की बात के लिए सोचते, बिल्कुल नहीं। This is the right time. इसी समय आप उस पर विचार कीजिए, How and why you would love yourself? कैसे अपने आप से प्रेम करोगे? अपने आप से प्रेम करना है केवल शरीर से प्रेम करना है क्या? जीवन का लक्ष्य सामने प्रकट हो जाएगा तो अपनी असीम दिव्यता प्रकट हो जाएगी और तब आप कहोगे Nothing is impossible for me because I have come with a purpose and that purpose is unique. दूसरे किसी के पास वो purpose नहीं। और जब ये हो जाता है, जब आप अपनी यूनिकनेस को पहचान लेते हो कि आप जैसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, नहीं है विश्वास? मैं कह रहा हूं आप असामान्य हो, आप में से कोई भी एक भी व्यक्ति सामान्य नहीं, ये बात मैं कह रहा हूं। विवेकानंद का संदेश सीधे दे रहा हूं, ईच वन ऑफ यू इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक, आपके जैसा दूसरा नमूना नहीं है। मैं कह रहा हूं लेकिन आप मान नहीं रहे, मान लोगे तो सारा शील्ड चला जाएगा। अभी तो सारा आलस इसी बात पे करते ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सामान्य आम आदमी हूं। देयर इज नो आम आदमी, मैं केजरीवाल के लिए कुछ नहीं कह रहा। देवदत्त जी हंस रहे तो मुझे लगा कि और जा रहे हमारे देश में आजकल हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ने की बात। मैं कह रहा हूं हम में से प्रत्येक खास है और आपको नहीं पता, पता है आपको लेकिन आपने कभी अनुभव नहीं किया। तो मैंने LLB कर रखा है ना, तो मैं सिद्ध कर देता हूं इस कोर्ट में, आपकी अदालत में मैं सिद्ध कर देता हूं कि आप यूनिक है। आज के बाद कह नहीं सकोगे कि मैं यूनिक नहीं हूं, कर दूं सिद्ध। मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था कि सुबह उठते ही अपने हाथों के दर्शन कर, और उसके लिए मंत्र भी लालच देते हैं ना, मंत्र भी सिखा दिया, करागरे वसते लक्ष्मी, बोले सबसे पहले लक्ष्मी के पीछे भागेगा तो करागरे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, विद्वान बनना है तो इधर कर मूले तू गोविंद, सिखाया आपको भी। मेरे को तब समझ नहीं आता था ये क्यों देखना, बाद में विवेकानंद को पढ़ने के बाद समझ में आया माँ ने कितना बड़ा जीवन का रहस्य समझा दिया। आप एक बार देखो तो अपनी आंखों को ध्यान से देखिए, एक बार अपनी आंखों को ध्यान से, और अपने आंखों के लक्ष्मी वाले होना, लक्ष्मी के उपासक तो कराग्रे ही देख लो। कराग्रे क्या है आपके कराग्रों में, आपके उंगलियों के छोरों पर क्या है, फिंगर टिप्स पर, योर यूनिकनेस, आपका आधार कार्ड। ऐसे फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के नहीं है। ऐसे फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के नहीं है, इसीलिए आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक कर दिया, कराग्रे वसते लक्ष्मी। IIAS से अंगूठा लगाओ पेमेंट हो जाता है, सिद्ध हो गया डिजिटल इंडिया में। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कराग्रे वसते लक्ष्मी बैंकिंग से जोड़कर। यूनिक, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, ऐसे फिंगरप्रिंट किसी के नहीं। 1 in 7 billion, केवल 1 in 7 billion नहीं, जो मर गए खरबो उनमें के किसी से फिंगरप्रिंट ऐसे नहीं थे। शिवाजी के नहीं थे, राणा प्रताप के नहीं थे, भगत सिंह के नहीं थे, विवेकानंद के भी नहीं थे, आपके अजूबे हैं। ऐसा अजूबा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस, और ये केवल शरीर का नहीं, और शरीर में हर लेवल पे, मेरा मित्र अभी किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा है, 20 तारीख को शायद होगा। उस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भाई ने किडनी देने के लिए तय किया लेकिन टिश्यू मैच नहीं हुआ। आपकी सेल के, आपकी कोशिकाओं के स्तर तक आपकी यूनिकनेस, ऐसा नमूना दूसरा नहीं है। शरीर का ही ये हाल है तो शरीर मन बुद्धि आत्मा से बना हुआ व्यक्तित्व तो देखो कितना यूनिक होगा। वंस यू अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस, यू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ एवरीबॉडी एल्स एंड देन यू डू नॉट वांट एनीबॉडी टू बिकम लाइक यू। सारी लड़ाई तो इसी से है ना, कि आप मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते। वंस यू अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस, यू
start respecting the uniqueness in others, तब हृदय विशाल हो जाता है. स्वामी विवेकानंद को शिकागो में जब वो फेमस हो गए, सब जगह फोटो लगे. एक जगह पर बोस्टन में वो जा रहे थे और नौका से उतर करके सीढ़ियां उतर रहे, इतने में एक अफ्रीकन व्यक्ति आया और उसने आकर के उनके हाथ पकड़े और गले लगाया, ब्रदर आई एम वेरी प्राउड कि हमारे में से एक ब्लैक आदमी आज अमेरिका का हीरो बना हुआ है. स्वामी विवेकानंद ने उसको गले लगाया, यस ब्रदर आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू. आगे जाने के बाद उनके साथ में जो चल रहे थे दो उनके अंग्रेज मित्र, उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी बट यू आर नॉट ब्लैक, आप तो अफ्रीकन नहीं है, आप तो निग्रो नहीं है, व्हाई डिड नॉट यू डिनाई. स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे यही तो मेरा वेदांत है, वो मुझे अपना भाई बोल रहा है और मैं उसको कह दूं कि मेरा भाई नहीं है, ये ऊंच नीचे का भाव यदि मेरे मन में आ जाए तो फिर मेरा वेदांत कहा है. वंस यू अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी एल्सेस यूनिकनेस एंड दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर. विविधता को आप अनुभव करने लगते हैं और विविधता का आप उत्सव मनाने लगते हैं, ये भारत है. इसलिए हृदय की विशालता आ जाती है और इस सब में से जो जागृत होती है जो आपके जीवन को बदल देगा. स्वामी विवेकानंद बार 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 ये बात कहते हैं कि एक बम की तरह उपनिषदों में से एक विचार बार बार आकर के इस मनुष्यता को जागृत करता है और उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, अभी अभी डरो मत, भय मत करो. और उन्होंने फिर बताया नचिकेता उनके जीवन का हीरो था, कठोपनिषद का नचिकेता, जो मृत्यु के सामने जाने से नहीं डरा. पिताजी ने गुस्से से कह दिया, मृत्युमेते ददामि, जा मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया, जा मर. कहते ना हमारे पिताजी ने कितनी बार कहा होगा जा मर, बार बार आपने परमिशन मांगी, जाऊं जाऊं जाऊं, गुस्से में आकर के मां ने कह दिया होगा जा मर. नचिकेता के पिता ने कह दिया जा मर, मृत्युमेते ददामि. नचिकेता तैयार हो गया और तैयार होकर के जा गया. उपनिषदकार कहता है ये प्रश्न पूछने से पहले, पिता से जाकर के प्रश्न पूछने से पहले, पिता को जाकर के इतनी विनम्रता से नचिकेता ने प्रश्न पूछा है, आप ऐसी मरने वाली दत्तक तृणा पितोदका जिनके जीवन में जितना पानी पीना था पी लिया, जिनका जितना भोजन करना था कर लिया, जिनको दूध नहीं आएगी, ऐसी गाय दान दे रहे हो, इस दान से आपको पुण्य मिलेगा कि पाप लगेगा, यह प्रश्न पूछना है. लेकिन वो जाकर के बदतमीजी से पिताजी से बात नहीं कर रहा कि आप ये क्या पाप कर रहे हो, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ करके पिता को कह रहा है, बहुत लोगों में मैं प्रथम हूं, बहुत लोगों से कम हूं, बहुनामेमी प्रथमो बहुनामेमी प्रथमो, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे किसे दान दोगे, क्योंकि यज्ञ तो वो है जिसमें अपनी प्रिय वस्तु को दान देना होता है. और उससे पहले उपनिषदकार ने शब्द प्रयोग किया है, किस प्रकार से नचिकेता को यह प्रश्न पूछने का साहस आया पिता को, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया श्रद्धा विष्टो, उसके ऊपर श्रद्धा अवतरित हुई, श्रद्धा का प्रयोग. इसलिए स्वामी विवेकानंद इस शब्द को बार बार कहते हैं. और अब आजकल राजीव मल्होत्रा जी नॉन ट्रांसलेबल से बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा, लंदन में भाषण देते समय कहा, एक शब्द संस्कृत का ऐसा अनेक है, वैसे तो धर्म का भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन करने से ही गड़बड़ हुई. इसलिए सेक्युलरिज्म का हिंदी संविधान में रूपांतरण सेक्युलरिज्म का करते समय अनुवाद में लक्ष्मीपाल सिंह भी उस समय लॉ मिनिस्टर थे 1975 में, जिस समय ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, लक्ष्मीपाल सिंह भी ने बहुत ध्यान रख करके, बहुत बड़े कानूनविद थे, उनका उनके जैसा जुरिसप्रूडेंस का अध्ययन बहुत कम है, भारतीय शास्त्रों के भी अध्ययन था उन्होंने. वहां पर हिंदी संविधान के प्रियम्बल में जिस समय इस 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द डाले गए हिंदू अनुवाद में, आज भी आप हिंदी अनुवाद गूगल कीजिए, आपको ऑफिशियल जो हिंदी अनुवाद मिलेगा उसमें सेक्युलरिज्म का शब्द जो अनुवाद है शाब्दिक अनुवाद, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता बोलना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. लक्ष्मीपाल सिंह जी ने पंथ निरपेक्षता शब्द प्रयोग किया हिंदी, क्योंकि पंथ रिलीजन है, धर्म रिलीजन नहीं. वैसे स्वामी विवेकानंद ने लंदन में कहा, यू कैन नॉट ट्रांसलेट श्रद्धा, बिकॉज श्रद्धा इज नॉट फेथ, श्रद्धा इज नाइदर बिलीफ नॉट फेथ, इट इज मच मोर डीपर देन दैट, उससे भी अधिक गहरी है, क्योंकि श्रद्धा से मनुष्य प्रश्न पूछता है, श्रद्धा विष्ट होकर के नचिकेता प्रश्न पूछता है. ऐसे तो हम भगवदगीता में महर्षि अरविंद श्रद्धा को डिफाइन करते, वो कहते हैं श्रद्धा वो नहीं है जो आपको प्रश्न ना पूछने दे, श्रद्धा वो नहीं है वो आप जो आपको अंधा बना दे, वो कहते हैं श्रद्धा वो है विच ओपन्स योर आईज एंड यू गेट द कॉन्फिडेंस टू क्वेश्चन इवन योर गुरु.
आप अपने गुरु को भी प्रश्न पूछने का साहस आपके मन में आ जाता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा मनुष्य निर्माण का बहुत बड़ा साधन है, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बार बार कहते हैं। और उन्होंने तीन श्रद्धाओं का वर्णन किया अपने गुरु का वर्णन करते समय। मेरे गुरुदेव नाम का लंदन में दिया गया उनका भाषण है, जिसमें वो रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि एक कृपा कटाक्ष मात्र से, एक रज कण से हजारों विवेकानंद निर्माण करने की शक्ति मेरे गुरुदेव में है। और इस शब्द को उन्होंने अंग्रेजी में बोला, साइबर ग्लांसेस, ये शब्द प्रयोग किया कृपा कटाक्ष के लिए। साइबर ग्लांसेस ऑफ हिज ग्रेस ही कुड क्रिएट थाउजेंड विवेकानंद थ्रू अ स्पेक ऑफ सैंड, एक रज कण में से हजारों विवेकानंद निर्माण कर सके, ऐसे अपने गुरु के बारे में। यहां से वो मेरे गुरुदेव भाषण शुरू होता है उनका व्याख्यान, और उसमें गुरु के बारे में बताते समय वो कहते तीन प्रकार की श्रद्धा है, श्रद्धा के तीन संस्करण वो बताते। आत्मश्रद्धा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप दुनिया के 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करो और अपने आप पर ना करो तो मैं आपको नास्तिक मानता हूं, और यदि आप किसी भी देवता पर विश्वास नहीं करो और अपने अंदर विश्वास करो तो मैं आपको आस्तिक मानता हूं। आस्तिकता की नई परिभाषा स्वामी विवेकानंद देते, वो श्रद्धा की बात है, आत्मश्रद्धा अपने यूनिकनेस पे, और उस आत्मश्रद्धा का आधार बनती है स्वामी विवेकानंद ने कहा शास्त्र श्रद्धा। शास्त्रों पर वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जो सनातन इटर्नल वैल्यूज की बात आपने की, जो सनातन सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल है क्योंकि सनातन धर्म यूनिवर्सल है। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसी जीवन पद्धति है जो केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करती, देयर इज नो डायकोटोमी। ये एकमात्र ऐसा, यदि रिलीजन भी शब्द प्रयोग किया जाए तो एकमात्र ऐसा रिलीजन है जो ये नहीं कहता कि मेरे भगवान को मानोगे तो ही कल्याण होगा, वो नहीं कहता कि मुक्ति के लिए आप सारे देवताओं को छोड़ करके मेरी देवता को मानो। इफ यू डू नॉट फॉलो माय रिलीजन यू आर नॉट गोइंग टू गेट लिबरेशन, नहीं कहता। अरे भाई प्रार्थना है लिबरल, लिबरल क्या, यूनिवर्सल है। हम सर्वे भवंतु सुखिना बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि सर्वे हिंदू भवंतु सुखिना, ये तो छोड़ो, हम सर्वे भारतीय भवंतु सुखिना भी नहीं बोलते, हम सर्वे मानवा भवंतु सुखिना भी नहीं बोलते। हमारे यहां तो कृमि कीटक पशु पक्षी जिसको निर्जीव मानते हैं उस सृष्टि के लिए भी शांति की प्रार्थना होती, आकाश शांति, पृथ्वी शांति, औषधय शांति, रोज मंदिर में ये प्रार्थना होती कि सारी सृष्टि की शांति। इससे बड़ा यूनिवर्सल इटर्नल क्या हो सकता। और ये इटर्नल इसलिए है क्योंकि ये शास्त्रीय है, शास्त्रीय मीन्स साइंटिफिक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ, इट इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है। इसका आत्मश्रद्धा, शास्त्र श्रद्धा, और फिर तीसरी बात उन्होंने की गुरु पर श्रद्धा, स्वामी विवेकानंद की इन तीन श्रद्धाओं ने विवेकानंद को विवेकानंद कहा। आंख मूंद करके गुरु पर श्रद्धा नहीं की, परीक्षा ली, और उनके गुरु भी ऐसे थे जो कहते थे, जब उनके एक और गुरु भाई स्वामी विवेकानंद के रात के समय मां शारदा के उस कक्ष के सामने रात भर जगते हुए बैठे रहे और कहते रहे कि इनको अपनी जगत जननी के रूप में देखते, पत्नी के रूप में नहीं देखते, उनकी षोडश उपचार से पूजा करते, वो देखना चाहते थे अपने गुरु का यह भाव पाखंड है, रात को छिप करके पत्नी के पास तो नहीं जाते। तो उनका एक गुरु भाई स्वामी विवेकानंद का युवा, वो बैठ करके रात भर वो माँ के कमरे के सामने बैठा रहा कि कहीं ठाकुर आते तो नहीं रात को। सुबह जब ठाकुर निकले तो इसको बैठा हुआ देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और उसको कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, गुरु को दिन में देखना, रात में देखना, जांचना, परखना, केवल बिना जांचे परखे मत स्वीकार करना। और विवेकानंद को भी, विवेकानंद ने भी जांचा, वो कहते थे कांचन कामिनी का स्पर्श नहीं मेरे को सहन होता, यदि मेरे को पैसे का स्पर्श होगा तो करंट लगता है, ठाकुर कहते थे रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने एक रुपए का सिक्का उनको बिना जाने उनके तखत के ऊपर चादर के नीचे डाल दिया, आकर के जैसे बैठे वैसे करंट लगे, जैसे उठ करके खड़े हुए, चादर झटक करके रुपया गिरा, तब उन्होंने कहा अरे ये कहां से आया, तो पिलर के पीछे से, खंभे के पीछे से नरेंद्र देख रहा था, अच्छा नरेंद्र ही होगा, बिना गुरु की परीक्षा लिए स्वीकार नहीं किया। और परीक्षा लेने के बाद जब स्वीकार कर लिया तो ऐसा जबरदस्त स्वीकार किया, वो मेरे गुरुदेव वाला भाषण पढ़ना चाहिए। इसलिए ये श्रद्धा, ये व्यक्तित्व निर्माण के तत्व है। अंतिम बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। विवेकानंद आज भी जीवंत इसलिए, आज भी प्रेरणादायी इसलिए क्योंकि उन्होंने व्यक्ति पूजा नहीं की, उन्होंने संगठन के मंत्र को पुनर्जीवित किया। वेद में जो संगठन का सूत्र है, संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानता,
भारत के पूरे इतिहास का, मध्यकाल के इतिहास का, आक्रमणों के बीच में पराभवों के इतिहास का, संघर्ष के इतिहास का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक बात में हम चूक गए और वो बात थी संगठन। हम संगठित तो नहीं थे, हम साथ में नहीं थे। विवेकानंद ने इस बात को समझा और इसलिए विवेकानंद ने सन्यासी को संगठित तो किया जो असंभव लगता था, जो आत्म साक्षात्कार के लिए सारे सर्वस्व को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए बोल करके अपना तर्पण अपने हाथ से करके अपना श्राद्ध स्वयं करके सब कुछ मिटा करके जो संन्यास ले लेता है, ऐसे सम्यक न्यास करने वाले को स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं चलेगा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस आधार पर रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ से वो ट्रस्ट की लिखी, क्या काम करेगा वो लिखा है, सेवा के कार्य खड़े किए, संगठन का काम खड़ा किया, सन्यासिनियों का संगठन खड़ा हो ये उनका मन में था। भगिनी निवेदिता को लिखे हुए पत्रों में वो वर्णन आता है, लेकिन वो उनके जाने के बाद काफी वर्षों बाद में वो शारदा मिशन के रूप में अस्तित्व में आया। युवाओं के संगठन के बाद उन्होंने आला सिंगा पेरुमल को लिखी, संगठन का मंत्र स्वामी विवेकानंद ने पुनर्जीवित किया, इसलिए स्वामी विवेकानंद को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। उनके भाई कहते हैं, उनके भाई ने उनके बारे में उनकी जीवनी लिखी, उनके भाई जो क्रांतिकारी थे, उनके भाई जो कम्युनिस्ट थे, उनके भाई जो जीवन के 16 साल रशिया में लेकर के आए, उस भूपेंद्रनाथ दत्त ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी है क्रांतिकारी विवेकानंद के रूप में, पेट्रियोटिक सेंट स्वामी विवेकानंद, कलकत्ता के नवभारत पब्लिकेशन से छपी हुई। उस जीवनी में वो लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, लिखते समय आधुनिक भारत का निर्माता, यह एक वाक्य यदि किसी को कहा जा सकता है तो विवेकानंद को कहा जा सकता है, क्योंकि विवेकानंद के जीवन के इतने पहलू है। जमशेद जी टाटा का स्पर्श उनको 15 दिन के लिए हुआ, जापान से वैंक्यूवर उस जहाज पर वो साथ में थे और जमशेद जी टाटा का जीवन बदल गया। जमशेद जी टाटा ने, आज भी आप जमशेद नगर जाएंगे, टाटा नगर जाएंगे तो टाटा नगर में उस फैक्ट्री के बाहर पत्थर लगा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है यहाँ स्टील की फैक्ट्री खोलने की, भारत में स्टील की फैक्ट्री खोलने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने दी। स्वामी विवेकानंद उस समय भारत के युवाओं को रोजगार मिले इसकी चिंता करते। जमशेद जी टाटा ने कहा कि मैं जापान से स्टील टेक्नोलॉजी लेने जा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा सारी दुनिया को सबसे सर्वोत्तम स्टील की टेक्नोलॉजी भारत देता रहा है हजारों हजार वर्षों से यहाँ की भट्टियों की, आप उसमें रिसर्च क्यों नहीं करते। तो तब जाकर के टाटा मेमोरियल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आज जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं बेंगलोर में, मैं वहां जाता हूँ कई बार, वहां पर जमशेद जी टाटा का वो स्वामी विवेकानंद को लिखा हुआ पत्र उन्होंने फायर भी लगा दिया सामने। अभी उस पत्र में जमशेद जी दादा ने कहा था, आपने कहा था वैसे मैंने जमीन इकट्ठा कर ली, आपने बताया था उस प्रकार से मैं वैज्ञानिकों को भी इकट्ठा कर रहा हूँ, भारत में विज्ञान में अनुसंधान के लिए ये प्रयोगशाला मैंने खोल दी है, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू कम एंड बिकम डायरेक्टर हियर। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे पास बहुत काम है, मैं डायरेक्टर एक जगह नहीं बन सकता। स्वामी विवेकानंद की विज्ञान निष्ठा ऐसी थी, निकोला टेस्ला जिसने आइंस्टाइन को इक्वल टू एमसी स्क्वायर की प्रेरणा दी, उस निकोला टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद के साथ डिट्रॉइट में 7 दिन बिताए। निकोला टेस्ला एंड विवेकानंद गांधी archives.org में से उनका पत्राचार सामने आएगा आपको। निकोला टेस्ला को सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य उपनिषदों में से स्वामी विवेकानंद ने समझाया। निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में, साइंटिफिक पेपर के साइटेशन में स्वामी विवेकानंद का नाम लिखा, और वो विवेकानंद जानता नहीं था कैसे नाम लिखना, तो अंग्रेजी में विवेक आनंद ऐसे तोड़ करके लिखा है, विवेक आनंद करके उन्होंने उस पेपर को इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के पेपर में आइंस्टाइन ने साइट किया है। आइंस्टाइन जिस पेपर का साइटेशन दे रहा है उस पेपर में विवेकानंद का साइटेशन, और इसके सन 1900 में पेरिस में जब वर्ल्ड साइंस कांग्रेस हुई, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस पेरिस के अंदर सन 1900 में शताब्दी के परिवर्तन के समय, उस वर्ल्ड साइंस कांग्रेस का कीनोट एड्रेस विवेकानंद ने दिया दुनिया के सारे साइंटिस्ट के सामने, और आपको आश्चर्य होगा वो कीनोट एड्रेस उन्होंने फ्रेंच में दिया, शिकागो में अंग्रेजी में बोले थे, पेरिस में फ्रेंच में बोले थे। जगदीश चंद्र बसु उनको पूछते आपने फ्रेंच कहाँ सीखी, तो बोले पोरबंदर में मैंने फ्रेंच सीखी, वहां पर एक दीवान थे जिनकी फ्रेंच भाषा जो सीखते थे, उनको संस्कृत सीखनी थी, मैंने कहा मेरे संस्कृत की गुरुदक्षिणा आप दो, पोरबंदर में उस दीवान के परिवार से मैं मिल करके आया जिन्होंने उनको फ्रेंच सिखाई। स्वामी विवेकानंद वहां फ्रेंच में बोले। साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, चाहे जो बोलिए अलमोड़ा जाइए, स्वामी विवेकानंद की बजाई हुई वीणा वहां पर मिलेगी, वो रखी हुई है जिस पर स्वामी विवेकानंद संगीत का रियाज करते थे।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का उदय फिर एक बार हो, इसके लिए प्रेरणा देने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। इसलिए मैं अपनी बात को दोहरा करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे जब इसके लिए अब्सट्रैक्ट भेजने को कहा तो मैंने जो लेख भेजा उस लेख का लक्ष्य, लेख का शीर्षक है आओ वीरव्रती बने। विवेकानंद जैसे वीरव्रती बनने के लिए विवेकानंद जयंती के साथ का समारोह किया जाना चाहिए। आज इन युवाओं को इतने अवसर है स्वामी विवेकानंद का स्वप्न साकार होने का। सारा विश्व भारत को स्वीकार करे ये उनका स्वप्न था। अलासिका पेरुमल को लिखे हुए पत्र में वो लिखते, ना तो मैं कोई भविष्य देखता हूँ, ना भविष्य में झांकने की कोई मंशा रखता हूं, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत स्पष्टता से दिखाई देता है। क्या है वो दृश्य? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरी चिर पुरातन भारत माता फिर एक बार विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ है, पूर्व से भी अधिक दैदिप्यमान गौरवशाली। आइए शांति मंत्रों से उसका उद्घोष विश्व के सामने करें। भारत माता को फिर एक बार जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में, पूरे मानवता को जीवन जीने का संदेश देने के रूप में इस भारत को प्रस्तुत करें। और मैं कहता हूं कि ये काम शुरू हो गया, भारत माता विश्व गुरु बन गई। आपको नहीं पता, कैसे पता होगा? मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज दी नहीं तो मैंने सोचा मैं दे देता हूं। तारीख बता दूं, तारीख बताऊं कब विश्व गुरु बनी? 21 जून 2015 पता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। दुनिया के 193 देशों में, नहीं समझ में आया, 193 देशों में, आजकल हिंदी के आंकड़े नहीं समझ में आते तो अंग्रेजी बता देता हूं, 193 कंट्रीज, उन देशों में वहां के लोगों ने अपनी अपनी भूमि पर ट्रफालगर स्क्वायर में, टाइम्स स्क्वायर में, बेल्जियम में, इतने नहीं बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया में बुरखा पहन करके माताएं ओम की ध्वनि करते हुए सूर्य नमस्कार कर रही थी। मैं अक्सर कहता हूं जब वो अपने अपने भूमि पर अपने अपनी नाक लगा रही थी, सूर्य नमस्कार में नाक नहीं लगनी चाहिए पर नए नए करते तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण लगती है, तो वो सारे 193 देशों के लोग जब अपने अपने देश में अपने अपने भूमि पर नाक रगड़ रहे थे तब वो भारत माता का ही वंदन कर रहे थे, और भारत माता ने फिर एक बार जगत गुरु बनने की हुंकार भर दी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? Our Secretary Sir to propose the vote of thanks for this year. Respected Swamiji, respected Mukul Kanitkar Ji, delegates, participants who are gathered here for today's event, I'm happy to share that Institute has never celebrated this Youth Day in the past. It's the first time we are celebrating in our Institute. On behalf of the Institute and on behalf of the Director, I would like to express my sincere thanks to all the speakers today. Shri Kanitkar Ji, who traveled long distances from Nagpur to reach here, where he has, you know, temperature of 35 degrees, and here we have 10 degree temperature, and he tried to, you know, energize this audience. And on special day, I'm sure the youths here might have really inspired by his speech. I once again thank you very much, sir. This day is, as I said, is being celebrated for the first time in our Institute. So we also have organized certain events. Immediately after this, we are going to have our small race, which is being organized in the campus of the Institute. Those who have registered for this event, we are going to start from the main gate. But before that, the idea which Kanitkar Ji has shared about life and thought of the Swami Vivekananda Ji, who was one of the greatest personality of India, great spiritual leader and writer, author and philosopher, who has spread the philosophy of Vedanta and Yoga to the Western world. His speeches, his ideas and his works
and inspire the millions of the youth in India. I'm sure today's audience, I could see most of them are from youth. They are very young and they are still very energetic. I'm very thankful to Kanitkar ji for energizing this youth and sharing his ideas about life and talk of the Vivekananda ji. I once again, on behalf of the Institute, thank you very much for being with us for this program. Thank you very much.